भगवान का फोटो पोस्ट किए हैं। एक हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रिया कुमारी महतो जो टाटा सिजवा की है, और एक हमारी एमए और पीएचडी की फ्रेंड है अनुष्का सिंह सिप्राहर। सब किनकी फोटो है? पटेल की बात करें या कन्हैया की बात करें, वो जिस पृष्ठभूमि से है वहाँ उनके राज्य का बोलबाला है। जयराम एक शोषित राज्य से है जहाँ उसके राज्य के लोगों का बोलबाला है। क्या मतलब है बड़े भाई, उनके हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो पत्रकार है या नेता है। स्टैंड क्लियर करने बोलिए। 24 लोकसभा चुनाव का शंखनाद, और हम लोग चूंकि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा, हजारीबाग, रांची हम लोग का टारगेटेड लोकसभा है जहाँ हम लोग के संगठन का बेहतर स्तर बढ़ा है। इसके बाद हम लोग कोडरमा चतरा तक जाएंगे। इन कुल मिलाकर ये लोकसभा का शंखनाद का आगाज है, और उसी के मद्देनज़र आज का ये सभा राजगंज बाजार में बीचों बीच रखी गई। चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? देखिए ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, आप अनुमान में रखिए। धनबाद गिरिडीह तस्वीर काफी वायरल हो रही है, इसको क्या? हाँ बिल्कुल, पूछ सकते हैं कैसी तस्वीर है बताइए। किसी के साथ सेल्फी करके है और कैसा है, क्योंकि हम खुद नहीं देखे हैं। तीरथनाथ का वायरल क्या हुआ है? नहीं, हमको नहीं देखे, हमको अगर दिखाइएगा अगर आपके मोबाइल में तो हम उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं उस सवाल। नहीं, आप दिखाइएगा, हम हर सवाल को उत्तर देंगे। आपका आईडी से ही फोटो लिया गया है? और अगर मेरा आईडी से लिया गया तो हम अपना आईडी में दो जन का फोटो पोस्ट किए हैं। एक हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है प्रिया कुमारी महतो जो टाटा सिजवा की है, और एक हमारी एमए और पीएचडी की फ्रेंड है अनुष्का सिंह सिप्राहर। सब किनकी फोटो वायरल करें हमको आइडिया नहीं, क्योंकि हम फेसबुक में भी है ना, इंस्टा में भी हम नहीं है, और वो प्रोफाइल में पब्लिक है। जो भी फोटो अगर वायरल किया जा रहा है वो पब्लिक है। बाकी अगर बोलेगा फोटो तो हमको लगता है कम से कम 10,000 लड़कियों, मैंने कन्याओं बालिकाओं, जो दोस्त कहिए बहन कहिए, उनके साथ हमारी तस्वीरें हैं। तो और एक तस्वीर अगर प्रिया की तस्वीर है तो वो उनके फैमिली माता पिता के घर में होगी, और अगर सिप्रा के साथ मेरी तस्वीर है तो वो हमारा जो रीजनल सेंटर है विनोबा भावे का, सॉरी विनोद बिहारी महतो कुरंजल विश्वविद्यालय का, उसके क्लासरूम है, भीमार्ट के बगल का है। दो ही तस्वीर मेरी सोशल मीडिया में अपलोड है, और बाकायदा उनकी अनुमति से मैंने अपलोड किया, क्योंकि मैं एक संवेदनशील लड़का हूँ और सोशल मीडिया का मैं दुरुपयोग कभी नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम लोग अनुमति हो तो हम लोग फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं, बोला हाँ, हमको भी टेक करके अपलोड कर देना। आप दोनों में से कौन तस्वीर है आप देख लीजिएगा। अगर लाल रंग की ड्रेस होगी तो सिप्राहर्स हमारी एमए की बैचमेट होगी, और गुलाबी और काला की ड्रेस होगी तो प्रिया होगी। दो ही पोस्ट हम आज तक किए हैं अपने जीवन काल में, और दोनों पोस्ट आंदोलन से पहले हैं। 20 की होगी, 21 की होगी। 23 साल से आप बाहरियों से लड़ रहे हैं, क्या आप घर के और अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा? संकीर्ण मानसिकता के लोग, अगर किसी ने इस प्रकार मैंने दिग्भ्रमित करने के जनता को प्रयास किया है तो ये हम कहेंगे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। दादा, भाषा आंदोलन आपने साथ में किया था तीरथनाथ आकाश के साथ, और आज हाथ धोके नहीं नहा धोके आपके पीछे पड़ेंगे, इसका क्या मतलब है? बड़े भाई, उनके हम यही कहेंगे कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो पत्रकार है या नेता है। स्टैंड क्लियर करने बोलिए। दादा, आप बोल रहे थे कोयले की काली कमाई में विधायक का भी समर्थन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे थे? हाँ, बिल लीगली करते, कोयला की काली कमाई आप रोक सकते हैं, वो खजाना है देश का, वो पहुंचेगा ही। तो जहाँ काली कमाई है उसको आप लीगली बनाइए। एक मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तब चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। दादा, एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा की ओर जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दादा, डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की, हमेशा जब समय आता है लोगों को देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है और सफल भी होती है। देखिए, बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस रहे बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पत लूटने का काम किया है, दिल्ली के खजाने तक हमारे उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से। तो जाहिर सी बात हुई, कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? जो समस्याएं उन पर बहस करना होगा, समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उनमें बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ या नक्सली वाले? नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। मैं मानता हूँ कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज्य नक्सली पैदा क्यों किया?
मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण एमपी एमएलए के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूं? लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सलिज्म। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर समाधान की बात करूंगा, और समाधान तभी होगी जब बेहतर कानून बनेंगे, जब यहाँ के लोगों की खनिज नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जंगल नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन नहीं लूटा जाएगा, नक्सल की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के इतने लंबे भाषण 1932 को लेकर कहीं आपको चर्चा नहीं? चूंकि अभी दिल्ली की बात है, लोकसभा की बात है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो हमारा जमीन का 1932, पहले बात क्लियर देखिए, 1932 को हम लोग 2 साल से लगभग जनता तक पहुंचा चुके हैं। अब बारी है कि जमीन के बारे में पहुंचाने की। आज यहाँ इंपॉर्टेंट जमीन इसलिए था क्योंकि राजगंज है, यहाँ 4 गो मेन सड़क है। यदि लोग अपने जमीन के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी अपना बेटी का ब्याह बेच देगा, बेटा का पढ़ाई बेच देगा, बाप का दवाई बेच देगा, मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बेच देगा। इसीलिए यहाँ जरूरी था कि जमीन के महत्व को बताना, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस किया जमीन पर। लोगों का मानना है कि 1932 से कहेंगे जयराम पीछे हट रहे हैं। नहीं, कभी पीछे नहीं हटे, अपने जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें कितना सत्य? बिल्कुल, जब हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो सच्चाई है। फिर ये मुद्दा क्या जाए 1932 का? 1932 जब राज की विधानसभा होगी, मतलब विधानसभा में अस्थायीता को लेकर आएंगे। नहीं देखिए, झारखंड में हम लोग प्रयास किए, दो साल हम लोग प्रयास किए लगातार आवेदन निवेदन, आवास घेराव, डेरा डालो। जब नहीं हुआ, समर्थन करते हैं, 1.5-2 साल आप बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, आप बदलाव संकल्प सभा बहुत सारी सभा किए, लेकिन झारखंड लेने के लिए 100 साल का संघर्ष किया गया, तो क्या 2 साल के बाद आप 2 साल? देखिए हाँ, ये बात सही बात है, अभी दो देशों में युद्ध का माहौल है और लोग उसको वर्ल्ड वार से जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं मानवता का प्रचार हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो क्या उसका कंपेयर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड से करेंगे? ये मेरा सवाल आपसे है, नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय अलग था, उस समय तकनीकी का विकास अलग हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार का समय और था, तो ठीक उसी प्रकार थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तो ठीक उसी प्रकार 88 साल का संघर्ष और आज का जो हमारा ये आंदोलन है, आप तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब जमाना इतना हाईटेक हो चुका है कि लोग 2 सालों में झारखंड को बर्बाद कर देंगे। 88 साल में जो काम नहीं किए हैं और 2 सालों में और 10 सालों में बर्बाद कर देंगे, इसीलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। अगर आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो क्या झारखंड बर्बाद हो जाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, आप कहे कि 2 साल में बर्बाद होने वाला है। 2 सालों में नहीं, हमने ये कहा कि 2 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में अगर बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनते, मैंने ये थोड़ी कहा कि गवर्नमेंट हमारी होगी। हेमंत सरकारी निर्णय लेना भाई, सीएनटी को मजबूत कर दे, हेमंत सरकारी ने। मैंने ये क्या कहा कि जयराम महतो की सरकार आने से आबाद होगी? मैंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग और झारखंड की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करते तो राज्य बर्बाद होगा। हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, आप बगल में बैठे हैं, देखिए रे, डीसी नहीं सुन रहा है, वीसी नहीं सुन रहा है। देखिए, अच्छा एक बार कभी आप सोचें कि किसी शिक्षक के तबादले से लोगों ने जश्न मनाया हो? आज कोयलांचल में वीसी के तबादले से या वीसी के ट्रांसफर से लोगों ने जश्न मनाया। यानी आप सोचिए कि किस प्रकाष्ठा में शोषण चरम पर है, शिक्षा में शोषण, स्वास्थ्य में शोषण, रोजगार में शोषण। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो सरकार हमारी होगी, वो सरकार जमे में है भाई, आप वर्तमान में है। आप सीएनटी को मजबूत कीजिए, लोगों के जल जमीन को लूटने से बचाइए, आबाद होगा झारखंड। आप जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग आने का प्रयास करेंगे। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट है, उसमें से कोचिंग सेंटर से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, जबकि देखिए हाँ बिल्कुल, मैंने एक हमारे शिक्षक मित्र हैं जो +2 में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमें स्पष्ट कहा था कि अगर धनबाद में बरवड्डा में सेंटर होगा तो चांस है कि सेटिंग नहीं होगा, इसके अलावा अगर कहीं भी सेंटर लगेगा तो चांसेस होगा 90% वहाँ सेटिंग होगा। ये शिक्षक की बात मैं बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट शिक्षक है, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी लैब टेक्नीशियन की जो इम्तहान इनके रिजल्ट को लेकर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेटिंग जोरदार मामले पर होगा। उस शिक्षक ने यह भी कहा कि हमको अभी 2-3 फोन का फोन आ चुका है, 10 लाख 15 लाख 20 साल का, एक सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने कहा निश्चय सेटिंग हुआ है, इसीलिए चूंकि इनको पैसा से मतलब है, इनको राज्य की जो आने वाली पीढ़ी है उनके अधिकार से कोई मतलब नहीं है। आपके मंच पर साझा करने वाली गीता सिंह राव पिछले 2 दिन में वो फिर वापस कांग्रेस में चले जाती है, सबका यही हाल है। आज लोग जो हमारे पुराने साथी बार बार बोलते हैं आपके साथ आंदोलन में थे, तो सबका पार्टी कनेक्शन है भाई, चाहे कोई रहे, सबका अपना जो पुराना पार्टी उससे मोहमाया नहीं टूटा है। जयराम का भी तो पार्टी समय तो हमने तो आज विधायक जी हमारे पार्टी के थे, हमने उन्हें तार्किक रूप से जवाब दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, हाँ थे, स्वीकार करते हैं, लेकिन 2 साल पहले नाता तोड़ चुके हैं। अच्छा जयराम जी, बताइए कि विकास झारखंड में कैसे होने वाला है? देखिए अगर कार्यक्रम से या फिर चुनाव जीतने से ही विकास होगा? नहीं, चुनाव जीतने से विकास नहीं होगा। चुनाव जीतने वाले धरातल पर किस प्रकार अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं,
उनकी विवेक में कितनी सामर्थ्य में कितनी शक्तियाँ होती है कि वो विशेष नीतियों को इस राज्य में चरितार्थ करते हैं, उन्हें उजागर करते हैं, विशेष नीतियों की स्थापना करते हैं, वो किस प्रकार जो हमारी खामियाँ हैं उनको दुरुस्त करने के लिए आयोग बनाते हैं, उन पर सर्वे करते हैं और बाकायदा उसका हल निकालते हैं। तो चुनाव जीतने से नहीं, जो लोग चुनाव जीतेंगे उनकी मनसा से विकास का काम होगा। विरोधियों का आप पर आरोप है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार का हुआ है वो झारखंड में जयराम जी का होगा, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए उनका आरोप उन तक रहने दीजिए, हार्दिक पटेल कहाँ हो तो बीजेपी से विधायक है, कहाँ बुरा हाल है, विधायक बन गया हो तो बुरा हाल कहाँ है, कन्हैया भी तो अच्छी जगह पे है। देखिए उनकी पृष्ठभूमि अलग है, हार्दिक पटेल अलग पृष्ठभूमि से है, गुजरात में गुजराती का ही बोलबाला है। हार्दिक पटेल की बात करें या कन्हैया की बात करें, वो जिस पृष्ठभूमि से है वहाँ उनके राज्य का बोलबाला है, जयराम एक शोषित राज्य से है जहाँ उसके राज्य के लोगों का बोलबाला नहीं है। दादा आपने आरोप लगाया कि भीड़ रुकने का प्रयास किया आपके साथ, हाँ सही है, हमें यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के वो कोई वीर भसलक नेता है जो कभी विधायक का कभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, अभी कहाँ है नहीं पता, वो घर घर जा जा के लोगों को बोला कि नहीं जाना है नहीं जाना है, और महिला समूह को थोड़ा सा मतलब दिग्भ्रमित करता है। तो उन माताओं तक मेरा संदेश जा चुका है कि हम एक विचार हैं और आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अतः हमारे विचार को सुनिए, वोट देना या ना देना अलग बात है। जगह जगह आंदोलन करते क्या कोई फर्क पड़ रहा है दादा? बिल्कुल फर्क पड़ा, मैंने भी किया था आंदोलन, हाँ बिल्कुल, कम से कम नहीं करने से भी 30-35 की संख्या में मजदूरों को ऐसी जगह से मुआवजा मिला है जहाँ लोग उम्मीद नहीं करते थे। दादा तो मिला तो है, झारखंडी जानना चाहते हैं जिस मंच में आप चेतना एक मंच को साझा करते हैं, आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या है? देखिए वो हम नहीं जानते, उनका विषय है और आप तो देख ही रहे कि संकीर्ण सोच किन की है। सवाल करना था, आपने मंच में करके बोला कि अपना आपका स्टूडियो है वहाँ पे करते, देखते दादा आप सभाओं में भाषण देके चुनाव जीतेंगे या फिर संगठन का विस्तार करेंगे? देखिए दोनों काम है, संगठन एक ही व्यक्ति हर काम नहीं करता है, संगठन का विस्तार हमारे बाकी जो साथी वो कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य हुआ, किसी ने आके बताया कि साहेबगंज में आपका पोस्टर देखे, आप दुर्गा पूजा जो पर्व त्यौहार पार हुए उसका बधाई का वहाँ के लोकल लोग लगाए थे, तो संगठन तो पहुँच रहा है। दादा पूरा झारखंड में मूल निवासी आदिवासी और खेतानधारी का नजर आप पर टिका हुआ, अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या कीजिए? जमीन, जमीन बचाएंगे, जमीन बचेगा तो उसी जमीन में इंसान रहता, उसकी भाषा उसकी संस्कृति उसकी परंपरा बचेगी, उसके बाद बात करेंगे खतियान आधारित स्थानीय नीति, इस राज्य में घोरना लगाने का काम करेंगे ताकि बाहर के लोग गलत तरीके से यहाँ प्रवेश नहीं करें। अच्छा एक बात बताएं, मैं मीडिया के सामने कहूँगा, क्या हमने किसी प्रोफेसर का विरोध किया है? वो नेशनल इशू है, हमारे यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, बिहार का यूपी का है, अब चपरासी बन के लोग चोरी से सर्टिफिकेट बना के आएगा, गलत है कि नहीं है? क्या आप लोग मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि झारखंड के अधिकार को लूट ले, इनकी रोजगार को लूट ले, इनके खेत खलिहान को लूट ले? कहाँ गलत है भाई, बिहार में बिहार, यूपी में यूपी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी। आप आइए बिजनेस कीजिए, आप आइए जो प्राइवेट सेक्टर 25% में आइए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में 10 में आइए, हमने तो ये कभी नहीं कहा। लेकिन आप कहिएगा कि ये राज्य में कोई मतलब नहीं है, आप दिवाली मनाएंगे झारखंड में और छठ मनाएंगे यूपी बिहार में, बोलेगा हम झारखंडी हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। बेंगलोर में किस प्रकार का सभा कर रहे थे? बेंगलोर में इंजीनियर लोगों की सभा है, अब वहाँ मजदूर भी आएंगे, ऐसा बात नहीं, इंजीनियर मजदूर नहीं आएंगे, लेकिन मुख्यतः वहाँ जो हमारे इंजीनियर्स रहते हैं, क्योंकि जब आप झारखंड सुधारने की बात कर रहे हैं, झारखंड की स्थिति को बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसमें चपरासी भी आएगा, उसमें जमादार भी आएगा, उसमें हवालदार भी आएगा, उसमें रिक्शा पुलर भी आएगा, उसमें टोंगा पुलर भी आएगा और उसमें इंजीनियर भी आएगा। कितने दिनों का सभा है? 3 दिन का है, 3 दिन उधर रहेंगे। बातें ये सामने आ रही है कि सोशल मीडिया में जो भी आपके विरोध में पोस्ट करते हैं या ऐसा पोस्ट नहीं टाइगर को फायदा नहीं है, उसमें अभद्र भाषा का कमेंट आता है, उसमें क्या कहते हैं? देखिए हम तो सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, हम मानते हैं कि हमारे संगठन में कुछ साथी हैं जो शायद कभी उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए पूरा आप पब्लिक पे नहीं जा सकते हैं, अगर मेरे संगठन के साथी हैं जैसे नाम चाहिए जैसे दीपक, अगर दीपक गलत करता है तो हम इसको बोलेंगे कि वो सब टिप्पणी नहीं करें, जैसे लालूदा है आपके, सुरेंद्रदा है, जो हमारे चेहरे हैं, आप बताइए झारखंड में नहीं करने से भी लगभग नहीं करने से भी लाखों लोग हमारे समर्थक हैं, आप उनमें से कौन हमारा समर्थक है कौन नहीं है, हो सके हमारा वो समर्थक नहीं है इसीलिए वो गाली गलौज करता हो, ये भी हो सकता है। अगर हमारे कोई नामचीन चेहरे अगर शब्द कहीं कहीं प्रयोग किए हैं, जैसे हमारे महासचिव फरजान जी हैं, मोतीलाल साहब हैं, देवेंद्र दा हैं, मनोज दा हैं, संजय दा हैं, तो आप बताइएगा, हम उनको गाइडलाइन जारी करेंगे। राजगंज में बोला जा रहा है कि दो वोटों में बढ़ चुका है। नहीं नहीं, ये पुराने साथी आपसे नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, जो लोग दो
मैंने दो नावों में जिनकी पाँव है, जैसे अपने पुराने नेता से भी संबंध है, तो वो हम लोग के लिए गलत होगा कि नहीं, विश्वासघात होगा कि नहीं, तो इसलिए उनको अपने पुराने नेता से, पुरानी पार्टी से पूरी तरह त्याग दे। छः महीना हम उनको पहले देखेंगे कि फील्ड में आप कैसा वर्क कर रहे हैं। स्वागत है आपके आइडियोलॉजी को, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं।